प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र की ऐतिहासिक मस्जिद अल हकीम का दौरा किया। इस मस्जिद का निर्माण 10वीं शताब्दी के अंत में करवाया गया था। अल हकीम मस्जिद काहिरा की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को प्रबुद्ध भी कहा जाता है। ये मस्जिद अल अजहर के समान दिखती है। ये मस्जिद बड़े आयताकार रूप में बनी है। इस मस्जिद के बीच में एक आंगन है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। मस्जिद में चार बड़े हॉल बने हुए हैं जहां नमाज अदा होती है। ये पूरी मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शवकी इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों ने भारत और मिस्र के मजबूत सांस्कृतिक संबंध और दोनों देशों के बीच लोक संपर्क के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान दोनों ने समाज में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के अलावा आतंकवाद के खिलाफ जंग और कट्टरता को लेकर बात हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के प्रमुख मुफ्ती से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और कहा कि मिस्र के प्रमुख मुफ्ती प्रोफेसर शवकी इब्राहिम से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुलाकात के दौरान भारत मिस्र संबंधों, विशेष रूप से सांस्कृतिक संबंध और लोक संपर्क के मुद्दे पर अच्छी चर्चा हुई। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। इस खबर पर आपकी क्या चर्चा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।